ठीक है, हो गई साठ। ठीक है, ये आपका नॉर्मल डेंटेशन है। ठीक है, इसमें से आपने दो सेंट्रल इंसाइजर्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया अगर डॉक्टर ने, ठीक है, सॉकेट में से रिमूव कर दिया, तो आपको लैटरल दोनों इंसाइजर्स का सपोर्ट लेके ब्रिज बनाना है इसके ऊपर, ये लैटरल और ये लैटरल। ठीक है जी, एक्सट्रैक्शन से पहले डॉक्टर क्या करेगा कि पट्टी को मिक्स करेगा, पट्टी को मिक्स करने के बाद जो है वो उसका इम्प्रेशन लेगा। ठीक है, इम्प्रेशन लेगा तो फाइनल इम्प्रेशन जो है वो कुछ इस तरह का आना चाहिए। ठीक ठीक है, ये फाइनल इम्प्रेशन आ गया जिसमें सारे के सारे जो है टीथ हैं वो विजिबल हैं। अब उसके बाद जो डॉक्टर है वो एक्सट्रैक्शन भी करेगा और क्राउन प्रिपरेशन भी करेगा, तो आपके पास इस तरह की शेप आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये आपके एक्सट्रैक्शन के बाद एक्सट्रैक्शन, इन दोनों की एक्सट्रैक्शन हो गई और लैटरल जो आपके दोनों के दोनों इंसाइजर्स हैं वो आपका सपोर्ट देंगे ब्रिज के लिए, ब्रिज के लिए। ठीक है, इनको डेंटल की टर्म के अंदर जो है अबटमेंट ही कहा जाता है, अबटमेंट। ठीक है, एक तो इम्प्लांट अबटमेंट होते हैं, इन दांतों को भी अबटमेंट टूथ कहा जाता है। ठीक है, अबटमेंट टीथ आप कह सकते हैं। अब जब ये आपके पास सिचुएशन आ गई तो आपने जो है वो प्रोटेम फोड़ लिया, थोड़ा सा हमने इसको स्ट्राइक किया, एक ड्रॉप हमने निकाल लिया, अगर कोई अनसेट मटेरियल है तो वो बाहर तो बाहर निकला है। अब हमने देखना है यहाँ पे लैटरल इंसाइजर है, यहाँ सेंट्रल इंसाइजर्स हैं और ये एक और लैटरल इंसाइजर है, हमने एंड से इसको जो है वो स्टार्ट करना है, मटेरियल को इसमें डालना। फर्स्ट, ठीक है जी, ऊपर आ गए, ठीक है सही, फिर इस तरह से यहाँ पे गए, टॉप तक आना है पूरा, टॉप तक आना है, नीचे नीचे से स्टार्ट करके ऊपर आने का मकसद ये कि कहीं उसमें खुदा ना खासा कोई वॉइड्स ना क्रिएट हो, वॉइड्स ना क्रिएट, क्योंकि अगर वॉइड्स क्रिएट हो गए, खैर उसको भी डॉक्टर अगर चाहे तो वो इजीली उसको अच्छा, सेट होने में कितना टाइम लेता है वैसे इसके भी? हर चीज के टाइमिंग्स जो है वैसे मेंशन भी हैं ब्रोशर के ऊपर, इसका ये ब्रोशर जब आपके पास, ये जब आपके पास आएगा P4 आता है तो आप डॉक्टर को उसके ब्रोशर से ही बता सकते हैं जो उसके अंदर तरीके से हमने उसका फिर इस तरीके से इम्प्रेशन के अंदर हमने उसको डाला प्रोटेम 4 को। ठीक है, उसको हमने जो है वो उन्हीं टीथ के ऊपर जो है वापस से फिक्स कर दिया। ठीक है, फिक्स करने के बाद जो इंट्रा ओरल सेटिंग टाइम है वो 1 मिनट के करीब बनता है, और वैसे और ये वाला सेटिंग टाइम जो है जो आपने भी किया, इसमें कम और ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि ये मुंह नहीं है। ठीक है, मुंह के अंदर 1 मिनट लगता है, मुंह के बाहर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 मिनट ही लगना चाहिए। ठीक है जी, 1 मिनट के अंदर ये अंदर सेट होगा, 2.5 मिनट के अंदर ये बाहर सेट होगा, 2.5 मिनट के अंदर बाहर सेट होगा, मतलब 2 मिनट के अंदर ये बाहर सेट होगा। एक बाहर निकालेंगे जब आप इसको ओरल कैविटी से जी जी, तो बाहर निकालने के बाद इसको कम से कम 1 या 1.25 मिनट कम से कम लग सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, और फिर 5वें मिनट में फाइनली स्ट्रांग हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि ब्रिटल होगा अपनी जगह पे लेकिन हार्ड हुआ हुआ होगा। अच्छा, सेट हुआ हुआ इसके लिए जो क्राउन ब्रिज के लिए जो है टेम्परेरी क्राउन ब्रिज के लिए टेम्परेरी सेगमेंट का इस्तेमाल हम कम करें, बिल्कुल, और जो हमारा जो रिलाय एक्स है वो परमानेंट सेमेंट रिलाय, देखिए रिलायंस की फैमिली में हमारे पास परमानेंट सेमेंट भी हैं जिसमें ल्यूटिन 2 भी है, जिसमें U200 है, U200 क्लिकर ऑटोमिक्स या यूनिसेम है हमारे पास। ठीक है, और उसमें फिर हमारे पास अब रिलायंस अल्टीमेट की भी एक्सपेक्टेशन है कि अल्टीमेट हम लोग शायद देखें। ठीक है जी, अच्छा U200 जो है वो आपका हर चीज़ को सीमेंट कर सकता है सिवाय विनियर्स के। U200 ऑटोमैक्स या U200 क्लिकर या यूनिसेम, ये हर चीज को जो है वो आपके करेगा सीमेंट सिवाय विनियर्स के। विनियर्स के लिए अलग आता है, विनियर्स के लिए रिलायंस विनियर आता है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेट जो है वो विनियर्स को भी सीमेंट करेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो ऑल इन वन सोल्यूशन है, ऑल इन वन सोल्यूशन। ठीक है, और दूसरा रिलायंस जो टेम्प ई है, टेम्प ई के अंदर ये आपका टेम्प्रेरी सीमेंट है जो आपका उस वक्त यूज होता है जब आपने नॉर्मल कोई भी क्राउन ब्रिज लगाना हो, लेकिन अगर आप जो है वो सिरेमिक या जर्कोनिया की साइड पे जा रहे हैं जहां आपका रेजिन मॉडिफाइड बेस सीमेंट इन्वॉल्व्ड है जैसे कि U200, वहां पे आपने रिलाय एक्स टेम्प एन ई यूज। अच्छा, ये 1 मिनट पूरा उसको हो चुका है,
रिमूव किया, ठीक है, थोड़े से वॉइड्स आ गए हैं इसके अंदर, बट स्टिल ये इस तरह का बन गया है। अच्छा, इसको हम इसको जो है सिंपल सिकल प्रोब के साथ आप जो है वो रिमूव कर दें। ये अभी भी जो है वो थोड़ा सा इसको और टाइम लगेगा सेट होने में, तकरीबन एक मिनट और। एक मिनट और, सही, ठीक है जी, सही 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 है, सामने रखिएगा।